नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शाइनिंग इंडिया पर। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि आज भी हनुमान जी धरती पर सशरीर विचरण करते हैं। हनुमान जी को कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता माना जाता है। यही कारण है कि भगवान श्री हनुमान जी के दुनिया भर में भक्त हैं और हनुमान जी के विश्व में कई मंदिर स्थित हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक है पंचमुखी हनुमान जी मंदिर, जो हमारे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान में स्थित है। बताया जाता है कि यह मंदिर लगभग 1500 साल पुराना है। यह ऐतिहासिक मंदिर पाकिस्तान के कराची शहर के सोल्जर इलाके में स्थित है। मान्यता है कि इस जगह पर एक बार भगवान श्री राम स्वयं आ चुके हैं। इस प्राचीन मंदिर में मौजूद पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। इस मूर्ति में हनुमान जी के सभी 5 रूप नजर आते हैं। इस मूर्ति में भगवान हनुमान जी के नरसिम्हा, आदिवरागा, हयग्रीव, हनुमान और गरुड़ अवतार नजर आते हैं। मान्यता है कि इस मूर्ति को किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से बनी है। बताया जाता है कि इस मंदिर के 108 चक्कर लगाने से सभी तरह के दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है, लेकिन आज जो मंदिर यहाँ स्थित है वह 18वीं शताब्दी में दोबारा बनाया गया था। समय समय पर इस मंदिर का रिनोवेशन किया जाता है ताकि इस मंदिर को संरक्षित रखा जा सके। बता दें आपको कि पाकिस्तान में सुरक्षित बचे ये कुछ हिंदू मंदिरों में से एक है। यहाँ मराठी, सिंधी से लेकर बलूच तक के सभी समुदाय के लोग आते हैं और भगवान श्री हनुमान जी का दर्शन करते हैं। मंदिर में विराजित भगवान हनुमान जी की मूर्ति का इतिहास लगभग 17 से 18 लाख साल पुराना बताया जाता है। दोस्तों, ये दिव्य प्रतिमा खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। उसके बाद यहाँ पर पाठ पूजा करके इस मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। तब से लेकर आज तक ये प्रतिमा और मंदिर आस्था का केंद्र बने हुए हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्थान की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हनुमान जी महाराज की।